हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बनाने वाले हैं ये डॉल एम्ब्रॉयडरी। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से ड्राइंग बनानी पड़ेगी। मैंने जो मुझे डॉल बनानी है उसकी ड्राइंग बनाई है, आपको इसी तरह से बनानी है। तो सबसे पहले हम हाथ को और नेक को आउटलाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 स्ट्रैंड थ्रेड लिया है, नॉर्मल जो छोटी वाली नीडल है उसमें डाला है, और एक साइड में इसको इस तरह से नॉट लगा ली है। तो इसमें हम बैक स्टिच करते हुए आउटलाइन करेंगे इस हैंड को और नेक को। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरा आउटलाइन कर लिया है एक साइड में, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हमें इस साइड भी कर लेना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन थ्रेड लिया है और ये भी 3 स्ट्रैंड है, और वही जो नीडल थी उसी को लिया है और उसको नॉट लगा ली है। तो इसमें नॉर्मल हम फ्रेंच नॉट लगाने वाले हैं इस तरह से। तो पहले तो मैं 2 राउंड लूँगी और करूँगी, 1 राउंड लूँगी और करूँगी, और जो नीचे वाला पोर्शन है ड्रेस का वहाँ पे मैं 3 से 4 राउंड लेके करने वाली हूँ। तो ये अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा, ऊपर थोड़ा सा छोटा जो हमारा नॉट है वो दिखेगा और नीचे बड़ा वाला दिखेगा। तो इस तरह से हमें ये पूरा जो हमने शेप बनाया है उसको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बड़ा वाला करना है और ऊपर छोटा वाला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमने पूरा कर लिया है, इस तरह से करना है आपको। तो अब हम इस डॉल के बाल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है उसका हेड, उसके ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली नीडल ली है और इसमें पूरा जो हमारा वुलन का थ्रेड होता है 6 स्ट्रैंड वाला वो डाल लिया है। और इस तरह से हमें पहले करना है, पहले तो इस तरह से नॉट बनानी है। देखिए पहले तो मैंने ऊपर निकाल लिया थ्रेड को, फिर नीचे डाल लिया, जितना हमें बाल चाहिए उतना लेंथ रख दिया, और फिर से मैंने साइड से अपना जो नीडल है उसको निकाला और इस तरह से दूसरी साइड जहाँ से पहले हमने निकाली थी नीडल उस तरफ डाल के इसको इस तरह से लॉक कर लेना है। तो ये निकलेगा नहीं, आप कुछ भी करेंगे तो, मतलब बाल बनाएंगे तभी। तो यहाँ पे इस तरह से करना है, एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह से नीडल को ऊपर लेना है, फिर उसके साइड में यहाँ पे डाल लेना है, जितना आपको बाल चाहिए उतना उसका लेंथ रखना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से साइड से नीडल को निकालना है, और देखिए 2 है ना अभी हमने किए, तो उसके बीच में दोनों के इस तरह से डाल के उसको लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से आपको ये पूरे राउंड में कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड बचा था, तो उसका भी यूज़ हम करेंगे, कट नहीं करेंगे उसको। तो इस तरह से मैंने उसको ऊपर निकाल लिया, जितना थ्रेड है उसका 2 पार्ट कर लिया और उसमें बीच में इस तरह से नॉट लगा ली। तो ये सिक्योर हो जाएगा, तो ऊपर से मतलब ये निकलेगा नहीं जब हम बाल बनाएंगे तब। तो इस तरह से करना है, जितना भी आपका छोटा थ्रेड रहेगा उसका भी यूज़ बालों में हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा जो बाल है उनको बना लिया है। तो अब हम इन बालों को एक जगह कर लेंगे इस तरह से, और फिर इनको इस तरह से थोड़ा सा कोम कर लेंगे, हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे, और इनको जितना हमें चाहिए उतना रख के दूसरा जो है थ्रेड उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना चाहिए तो इतना रखेंगे और बाकी का नीचे का कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है, इसको अच्छे से कोम कर लेते हैं एक बार इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कॉटन लिया है, उसको इस तरह से छोटा सा बॉल तैयार किया है उसका, और इसको मैं इसके बीच में रखूँगी बालों के, और ये देखिए इस तरह से बालों को कोम कर लूँगी। तो जैसे सिर होता है उस तरह से ये दिखेगा, इसलिए मैंने ये कॉटन का यूज़ किया है बीच में। तो इस तरह से हमें पकड़ के जो हम बाल बनाते हैं पोनी, तो उसी तरह से करना है, और इसको उस कलर के ही थ्रेड से इस देखिए इस तरह से नॉट लगानी है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार नॉट लगाई है, तो ये सिक्योर हो गया, और जो बच गया थ्रेड उसको कट कर लिया इस तरह से।
तो यहाँ देखिए इस तरह से हो गया। मैंने फिर से इससे एक बार कॉम कर लिया और फिर से इस तरह से यहाँ पे मैंने नॉट लगाई है, तो यहाँ पर भी दो तीन बार लगा ले। तो अब हमें इन बालों को इस तरह से अंदर की ओर मोड़ना है और देखिए यहाँ पर इस तरह से बन तैयार हो जाएगा। और जो हमने गांठ लगाई थी पहली, उसी उसका ही थ्रेड का यूज करते हुए हमें ऊपर की ओर नॉट लगानी है और नीचे की ओर एक बार नॉट लगा के सिक्योर करके इस धागे को कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा के थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको, उन सबको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा के थ्रेड्स कट कर लिए हैं। तो यहाँ से साइड से मैंने नीडल को निकाला है, जो हमने बाल बनाने के लिए यूज की थी वही है। और फिर इस बन के बीच में से इस तरह से हमें ये थ्रेड को उस साइड निकाल के यहाँ पे नीचे हमें नीडल को डालना है। इस तरह से मैंने बीच से निकाला और यहाँ पे मैं नीडल को डालूँगी तो ये यहाँ पे एक टाइटली बन नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए हमें ये करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कर लें। तो और एक बार मैं नीडल को इस तरह से यहाँ पे लॉक कर लूँगी और जो थ्रेड्स बाहर दिख रहे हैं उनको कट कर लूँगी। तो ये हेयर स्टाइल हमारा यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमारी स्टोन चेन थी उसको लगा लिया है हाथ पर और बन पर, तो यहाँ पे ये अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये क्रिएट करना है। आप और भी हेयर स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने पसंद से। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें इस तरह के आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।